दोस्तों, इस समय अरमान और लवकेश कटारिया की एक बड़ी भिड़ंत हो गई है, और भिड़ंत ऐसी कि भाई इसमें ऐसा लग रहा था कि एक समय पे बिग बॉस को खुद ही इंटरफियर करना पड़ेगा। इवन लवकेश कटारिया सिर्फ अरमान से ही नहीं बल्कि अदनान से भी थोड़ा सा भिड़ते हुए दिखे, लेकिन मामला थोड़ा सा संगीन अरमान के साथ हुआ। और क्या क्या चीजें सामने आई मैं आपको जरूर बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। फिलहाल आपको बताऊं मैं तो एक बात बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत ज्यादा साफ है कि किस तरीके से लवकेश कटारिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ विजिबल है और सब कुछ लोग देख पा रहे हैं। बट मामला दोस्तों ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरीके से लवकेश कटारिया को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है और किस तरीके से अरमान मलिक को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। आज घर में ब्लॉगिंग का टास्क दिया जाता है, 3 लोग ब्लॉगिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं, बट मुद्दा मामला ये हो जाता है कि भाई अरमान जो है वो ये कहते हैं कि कटारिया को कहते हैं तू कम से कम अपनी खुद की तो पहचान बना ले, खुद तो दूसरे के दम पे है, तेरे बारे में तेरे दोस्त के बारे में सर्च करना पड़ता है तब जाके पता चलता है तू कौन है। उसी के साथ साथ फिर जिसके बाद अरमान कटारिया रिप्लाई करते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे बारे में सर्च करना पड़ता है, 2 बीवियों का पति। अदनान के साथ भी उनकी सेम बात होती है कि चेला है तू, जिसके बाद कटारिया भी कहते हैं तू भी तो चेला ही है। भाई यही चीज है कि काउंटर नहीं कर पा रहे कटारिया ढंग से, मतलब कटारिया खुद को एल्विश का चेला मान चुके हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं एल्विश का चेला हूँ। अब आप खुद सोच के देखिए बातें कितनी सही कितनी गलत है, लेकिन फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।